ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1946, अश्विन माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2024 सुबह के 6:11:13 हो चुके हैं। वक्त हो गया है अब भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का। जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। आज है 3 तारीख, हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो चुके हैं, पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। और ऐसे में आज जो है नवरात्र का पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। आइए मिलकर तमाम जितने भी भक्तजन हैं मिलकर कहें जय माता दी। जयकारा सारे जग को खेल खिलाए।
दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, जोता वाली है मेरी माँ, मेरी माँ, उच्चे मंदिर वाली है माँ, शेरों वाली है। नवरात्र के नौ दिनों में हर रोज यानी कि प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की नौ कलाएं नव दुर्गा कहलाती हैं। अगर हम बात करें मार्कंडेय पुराण की तो उसमें नौ दुर्गा का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूपों का उल्लेख है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से जो माँ भगवती है वह प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें ये नाम शैलपुत्री दिया गया। तो आइए मिलकर माता का गुणगान करें और मिलकर प्यारे प्यारे से देवी माँ के भजनों का आनंद लें। बालक नर नारी कृपामयी आनंदमयी अम्बे सुखकारी। सब जग की रक्षा करे भक्तन दुख तारे, जग संताप निवारती दुष्टन को मारे। खड़ग खपर धारी अष्टभुजा शक्ति लिए शोभाति प्यारी। कंचन थार सजाए के नव ज्योति बारी रक्त पुष्प की माला मैया स्वीकारी। जय अम्बे दुर्गे मैया तेरी आरती भक्त उतारे हे मंगल मूर्ति मैया। श्री अम्बे भवतारिणी मनहर छवि शोभा देव ऋषि मुनि ध्यावते देखत मन लोभा। जय अम्बे दुर्गे मैया हे मंगल मूर्ति मैया। जगदम्बे तेरी आरती जो कोई गावे संकट से मुक्ति मिले मन वांछित फल पावे। जय अम्बे दुर्गे मैया तेरी आरती
सच्चे मन से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना जो है ईश्वर जरूर सुनता है। और ऐसे में कहते हैं कि अपनी माँ हो या जगत जननी हो, माँ तो माँ ही होती है। यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो हमारी माँ हो या देवी माँ हो, वो जरूर सुनेंगी। और किसी ने खूब कहा है कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है माँ के दरबार में सच्चे दिल से, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी सुरति के साथ, और प्रोग्राम है ये भक्ति संगीत पर आधारित अर्पण। शांत रखना बहुत मुश्किल होता है। कोई कुछ भी कहता है ना तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्सा जो है हमें खुद ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखने की कोशिश करिए। जानते क्यों? वो इसलिए कि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, समुद्र को सुखा नहीं सकती। तेरे ही चरणों में
दिन मैया मोरी हर घर में सजती है। चलो तुम भी चलो मेरे साथ लेकर दीप कलश मिष्ठान, रोली मोली चुनरी से सजाओ मैया का दरबार। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी सुरती के साथ, और प्रोग्राम है ये अर्पण। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। देवी माँ का दिन है, नवरात्र आरंभ हो चुके हैं, मिलकर सभी भक्त जो है जयकारे लगा रहे हैं और प्यारे प्यारे से भजनों के जरिए हम आज के इस दिन का आनंद कुछ इस प्रकार ले रहे हैं।
मेहरा वालिए शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए पाया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए ओ मैं आया शेरा वालिए अपने गले लगाया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए जोता वालिए पहाड़ा वालिए मेहरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए जय माता दी 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 जय माता दी
जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। दोबारा प्रयास करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस बार हम सफल नहीं हो पाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार भी सेम चीज हो जाए। देखिए, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास तो करना ही पड़ता है। यदि एक बार हम हार भी गए या दोबारा हार गए तो जरूरी नहीं है कि तीसरी बार भी हमारे साथ वही हो जो पहले दो बार हुआ है। इसीलिए दोबारा प्रयास करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं जब आप दोबारा कोशिश करेंगे ना, तब उस वक्त आपकी शुरुआत शून्य से नहीं होगी बल्कि अनुभव से होगी, और उसी अनुभव के जरिए आप सफलता के और करीब पहुंचेंगे। असुर सेव भक्ति मुक्ति दायनी भय हरण कारिका अजय मा जय 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 जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी।
करु परम भयम तुलसी चौह जल नयन देवी हो प्रसन्न पाली प्रणत पालिका वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस का, आइए सुनते हैं अब अगला भाग।